लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देसाई साहब। आइए दादा भाई। ऑफिस का नक्शा ही बदला हुआ है, इंटीरियर करवाया लगता है। हाँ बस थोड़ा बहुत चेंज। ये लीजिए। काम तो पक्का है। काम तो हम पक्का ही करते हैं, वरना हाथ ही नहीं डालते। ये लीजिए दद्दा भाई, पूरे 5 पेटी हैं। रकम गिनवा लीजिए। गिनवा लीजिए मतलब? ये कोई डील है? कोई सौदेबाजी है हमारे बीच? फिर भी दद्दा, पैसे का मामला है। दलाली थोड़ी करता हूं मैं। आप लोगों ने समझा क्या है? दोस्ती रिश्ते में तुमने कुछ कह दिया, हमने कर दिया। पैसों की जरूरत थी इसलिए तो ले रहा हूं मैं। खन्ना साहब, लिया और दिया का रिश्ता अब नहीं है हम दोनों के बीच। कल को 2-4 पेटी की जरूरत और पड़ गई तो क्या ये जरूरी है कि मैं आपके लिए कोई काम करूंगा तभी देंगे आप? क्यों देसाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? नहीं दद्दा, ठीक है। हाँ नंदी, आप लोग इस सिलेक्शन में मेरा साथ दीजिए। मैं रतन सेठी को ऐसी पटकनी दूंगा कि उसकी जिंदगी में सिर्फ धुआं ही धुआं होगा, रंग कहीं नजर नहीं आएगी। सर, दिस इज लैंटेना, इट ब्लूम्स थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मॉनसून्स। सर प्लीज कम फर्दर। सर दिस इज डबल बोगनविला, इट फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। कमाल है, रंगों का इतना खूबसूरत तालमेल। सर दिस इज मैसांटा, इट ब्लूम्स 3 times इन द ईयर। रियली गॉड्स क्रिएशन इज fantastic, it's great. And sir, this is Pinotia. No, young man, this is not Pinotia, this is Poinsettia. Iska ek nickname bhi hai, isko fireball bhi kehte hain. Jab ye puri tarah se khil jata hai to ye aag ki goli ki tarah se dikhta hai. Ise Christmas par present kiya jata hai, isliye isko Christmas flower bhi kehte hain. भैया आप लोग सब खामोश क्यों हैं? मैं गलत तो नहीं हूं ना? नो सर, यू राइट सर, लेबल ही गलत लग गया। इट्स ब्यूटीफुल फायरबॉल। कैंपेन प्लानिंग अच्छी लगी मुझे। हमने तो अप्रूवल दे दिया है लेकिन पार्टी ये बजट अप्रूव नहीं करेगी। अपने पर्सनल अरेंजमेंट क्या है? सर खत्री और गुलाटी की ओर से भी कोई ठीक जवाब नहीं आया। इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कैंप के लिए भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। सर सेठी साहब, ये लोग पिछली 2 मीटिंगों में भी गायब थे। इनकी देखा देखी शाह और कपाड़ी में भी कुछ खिचड़ी पक रही है। बाबूराव जी, आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं। भाई वो लोग हम पर पैसा लगाएंगे क्या? है कि जब कोई आदमी किसी धंधे में पैसा लगाता है तो वो उस पैसे की सुरक्षा भी देखता है। आप उनको आज ही मर्ड आइलैंड वाले बंगले पर बुलवाइए, मैं उनसे बात करूंगा। सेठी साहब, इस इलेक्शन में पहले जैसी बात नहीं रही। दादा भाई की गुंडागर्दी ने शहर का माहौल बदल दिया है। पटेल साहब ठीक कह रहे हैं, हमारे कई सपोर्टर्स दादा भाई के साथ मिल चुके हैं। हाँ ऐसा कुछ मेरी जानकारी में भी आया है, लेकिन आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेठी साहब, ये इलेक्शन हार गए तो हम सब डूब जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि दद्दा भाई की गुंडागर्दी का कुछ तोड़ निकालिए आप। भाई हम क्या कहें, आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार दूल्हा बन रहा हूं। भाई चुनाव और हथियार के तालमेल को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। बाबूराव जी, जरा देखें कुट्टी बाबा हैदराबाद से लौटा है कि नहीं। अपना एक ही डील में गड़बड़ नहीं, काम में डाउट नहीं, मैं जो बोला मतलब वही होना। मर्डर का स्पॉट टाइम और मर्डर का टाइप। टाइप मतलब ब्लाइंड मर्डर, कोई देखना नहीं। शो मर्डर पब्लिक के बीच, तुम्हारा जैसा डिमांड वैसा ही छोड़ना। रही पैसे की बात,
आदमी का 1 लाख पकड़ कर चलो, पुलिस का ऊपर का लफड़ा सब मेरा, मेरा पैसे का काम मसूद देखता है। तुम्हारा आदमी जो एक बार पैसा लेके आता है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा यही आदमी डील करेगा। काम क्या लगाने का है उसका इन्फॉर्मेशन 48 घंटे पहले मुझे चाहिए, बोले तो 2 दिन पहले। पैसा जब जहां चाहिए जगह मैं सेलेक्ट करूंगा। अभी तुम सेट्टी साहब से मिलकर बात कर लेना, इसका जवाब 24 घंटे में चाहिए अपने को। अगर अपना डील नकी है तो कल 5 लाख का नारियल, नारियल बोले तो 5 लाख का टोकन अमाउंट, गांधी चौक के पीछे वाली गली में गीता प्रेस के नीचे अपने गोडाउन में पहुंच जाना चाहिए। उधर टोकन मिला, इधर नारियल बांधा, बोले तो मैं अपना मीटर डाउन करता हूं। मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूं और रिश्ते की बात करूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन मैडम आप ये भूल जाती हैं कि आपके पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं और मैं एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर, नौकरी मिलने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो प्लान ये है, तुम डिपार्टमेंट के किसी काम से घर आना, मैं तुम्हें वहां देखकर डैडी से पहले ही कह दूंगी कि मैं तुम्हें मिल चुकी हूँ, फिर तुम बात आगे बढ़ा देना। सिंपल। मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। इसमें कोई खतरा नहीं है, अगर प्यार करते हो तो हौसला भी रखो, तुम्हें कल मेरे घर आना होगा बस। अरे लेकिन मैं आऊंगा तो किस काम के लिए आऊंगा? एक काम करते हैं, तुम कल जाके बड़े बाबू से मिल लेना, वो तुम्हें मेरे घर भेज देंगे। सिंपल। ओके ठीक है। सर माय नेम इज विजय सिंह, एसआई ट्रेनी बैच नंबर 26। सर बड़े बाबू ने ये डायरी भेजी आपके लिए। सर कैसी डायरी है ये भाई? ये मैंने मंगवाई है डायरी, गायत्री की डायरी है, डांस क्लास के नोट्स उतारने थे। अच्छा अच्छा, बैठो भाई, चाय वाय पीकर जाना। ठीक है सर। अरे बैठो। आओ, ओ, सॉरी सर। अच्छा डैडी मैं चलती हूँ। अरे बेटा लेकिन तुम तो साथ में चाय पीकर जाने वाली थी। डैडी मेरी सब फ्रेंड्स इंतजार कर रही होंगी और ये कांता भी पता नहीं मेरी कहाँ चीजें रख देती है, कुछ मिलता ही नहीं है मुझे इस घर में। क्या बात है, कुछ परेशान हो? सर माय नेम इज विजय सिंह, एसआई ट्रेनी बैच नंबर 26। कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए सर। क्यों, कोई खास बात है? वो सर, वो मेरी सगाई है सर। अरे तुम तो बहुत जल्दी में थी, अब क्या हुआ? डैडी मैंने सोचा कि मैं चाय पी ही लूं। कोई बात नहीं भाई, मिल जाएगी तुम्हें छुट्टी। कब है सगाई? सर तारीख के लिए माँ की चिट्ठी आएगी और वैसे भी सर श्राद्ध के बाद ही होगी। अरे नहीं भैया, फौरन कर लो सगाई, वैसे भी हम पुलिस वालों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। मुझे भी कई दिन कुवारा बैठना पड़ा। हेलो। हाँ पिताजी, पिताजी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, इलेक्शन पे ड्यूटी लगी है मेरी। अच्छा अच्छा, तो ड्यूटी लग गई तुम्हारी? हाँ। एक पैसा नहीं मिलेगा, ये क्या है, 5 पेटी 10 पेटी? अरे ए, हाथ मत लगाना, मारो मारो मुझे, मारो मुझे, बाहर ले जाके मारो मुझे, मारो 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 मुझे। हाँ हाँ बहुत हो गया, मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं आपने समझो, अरे भाई जल्दी करो, अभी यहाँ लफड़ा बढ़ने वाला है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मेरी बात तुम लोगों से नहीं डरता, मारो 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 मुझे। भाई साहब बात क्या है? अरे बात क्या है, इलेक्शन होते हैं, तलवार हमारी गर्दन पर लटकती है, सेठी के आदमी है, पैसे मांगे होंगे, अब तुम ही बताओ कोई पैसे दे तो कब तक दे? मर्डर करो मेरा, सेठी साहब का नाम और बढ़ जाएगा। अरे तमीज बताओ, उन्हें हर बार बुलावी मानस 10-10 कलाक काम करे छे, कोना माटे? आमने माटे? हाँ भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, रिपोर्ट करते हैं। तुमको पैसा के लिए फोन आया, तुम रिपोर्ट दर्ज किया? नहीं ना, पुलिस स्टेशन आया, पुलिस को बोलना चाहिए कि नहीं? सर ये ठीक है, इन्होंने पुलिस को बोलना चाहिए था, ये इनकी गलती है, लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, कुछ गुंडे इसकी दुकान में घुस के इसका सर तोड़ देते हैं, अब आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए ना। ये क्या हो रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तारो माथो भरी कुछ है? पिताजी सेट्टी के गुंडे ने दुकान में घुसकर मुझे। तू उनसे दुकान में उलझाई क्यों? तो क्या करता,
आपकी तरह अपनी मेहनत की कमाई उनके कदमों में डाल देता मैं। ओ ठिपासा, बहु मोटो थई गयो छे तू, मारी साथे जीबाजोड़ी करे छे, तारा बापनी साथे। साहब आपने कुछ लिखा नहीं ना, हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखवाने का है। पर बाबू मारी बात तो चाल चाल निकलना है थी। मेरी अने दुकान में तारू छे शू, बधी तो मारी कमाणी छे, अने मारी कमाणी जेने इच्छीस तेने आपीस। चाले थी। विजय सिंह, SI ट्रेनी बैच नंबर 26, सेंट आर ऑन फील्ड ट्रेनिंग फॉर इलेक्शन ड्यूटी ओनली। ओके, भोसले साहब ने बुलाया तुम्हें। फिर आगे क्या हुआ, बोलो बोलो। सर उस आदमी को वो लोग बहुत बुरी तरह मार रहे थे, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो सारी रिपोर्टिंग है मेरे पास। उधर तुम झवेरी बाजार में क्या कर रहा था हैं? तुम्हारा ड्यूटी 7 नंबर पुलिस स्टेशन में था ना? कह रहे ये लफड़ा हुआ 10:30 बजे, तुमको पुलिस चौकी में रिपोर्टिंग था 9:30 बजे, तुमको ड्यूटी पर होना चाहिए था कि नहीं? फिर हमारे सीनियर भोसले साहब ये कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने? यही ना कि हर किसी को अपनी ड्यूटी की जगह होना चाहिए, ठीक ही तो कहा? पोजीशन, कामकाज, एरिया, ये सब डिवाइड किए गए हैं। बड़े बाबू मैं विजय, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि तुम सीनियर की बात ठीक से सुनते नहीं हो। यू आर अंडर ट्रेनिंग, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। एक ट्रेनिंग में जोश के साथ साथ ठहराव भी होना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है, बस यही बात है हर साहब की जुबान पर। हर बात पर हाँ करो, सल्यूट करो, बस यही काम है हमारा। डिसिप्लिन। भोसले साहब ऑफिस में मुझे ड्यूटी समझा रहे थे और खुद शराब के नशे में थे। अरे तो ठीक है ना यार, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, भोसले साहब को कामकाज का इतना टेंशन है कि एक हाथ में पी लिया होगा। राणा, हमारे भोसले साहब का कहना है कि इलेक्शन के दौरान कुछ भी हो सकता है, हमें मारा भी जा सकता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हमें चौकी के अंदर दुबक कर बैठना चाहिए। वाह, हमें यहां दुबक कर बैठने के लिए बुलाया गया, ना कि लोगों की हिफाजत के लिए। विजय तू खुद को इतना परेशान क्यों कर रहा है? 15 दिन अपने को यहाँ पर ठहरना है बस। डिपार्टमेंट हमसे क्या क्या और कितना काम चाहता है वो हम करें, पर कहाँ क्या क्या सुधारेंगे हम? और जब गुंडे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए कोई भी खेल खेलेंगे वो। सावंत, क्या सोचा है तुमने? अब सोचना क्या है, अपने ही आदमी अपनी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, फिर इनकी यूनियन और अपनी पार्टी में कुछ बटा थोड़े ही है। आप दोनों कल सुबह सिद्धि विनायक का दर्शन कीजिए और गांठ पक्का कीजिए। शास्त्री जी, मेरे साथ 1,75,000 वोट हैं। एक झंडे के नीचे इतने लोग लाने के लिए आपको तो पता है क्या कुछ करना पड़ता है। गुप्ता मिल का ताला खुलवाकर अन्ना की यूनियन तुड़वाई मैंने। अपने मोर्चे पर गोलियां चलवाकर 4 आदमी मरवाए। DSP रावत का ट्रांसफर करवाया। 5 लाख का खर्चा आया। सावंत, तुम्हें हमसे कितना चाहिए वो बताओ। दद्दा भाई, मैं आपको सपोर्ट करने का 20 लाख रुपया लूंगा। 20 लाख आपके लिए, ये ऑफर है एक दोस्त के लिए, एक दोस्त का। देखो सावंत, ऐसे मौके पर शास्त्री जी, सावंत तुम अपना पुराना टाइम भूल गए हैं? वो टाइम तुम्हें याद नहीं रहा जब अन्ना के सामने मैंने तुम्हारी पगड़ी उछलने से बचाई थी? नहीं याद रहा ना? और आज तुम्हारी औकात 20 लाख की हो गई है। 20 लाख? मेरी औकात क्या है मुझे मालूम है, वो तो यारी दोस्ती थी कि मैं इधर बैठा था, वरना सावन का टाइम आज किसी के इधर जाके बैठकर बात करने का नहीं है।
सावन के घर का रास्ता पता है सबको। आपने बात बिगाड़ दी, 10 लाख में तोड़ सकते थे इसको। शास्त्री जी क्या करता, उसके पांव पकड़ता। इसकी न तो तरवाई के 20 लाख रुपए ज्यादा नहीं है, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी राजा साहब को, पूछो उनसे। अब होगा पैसों का इंतजाम। यहाँ पर साले हांडी चढ़ाकर मुर्गी तलाशने निकलते हैं, अब ये रतन सेठी चुकेगा, लपक लेगा। क्या है साहब, तुम्हें कैसे हाथ? अरे शेट्टी साहब, आप इतने जल्दी आ गए। बड़ा आए ना। नहीं नहीं मी खरा मुझे बाहर तुम्हारे रिसीव कर रहे। ओ सॉरी। आई। अरे अरे विड़े सारखा बाळ असं का करतो तू, असं नाही करायचं। काय आईचा आशीर्वाद सर्वस्व आहे। आशीर्वाद तर असतोच ना वाळा। अरे अरे हे काय आहे? आमच्या सौभाग्य आहे कि तुम्ही आमच्या घरी आलात। तू मुझे भैया कहेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अले 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 काय रे आई नाव तुझा? नाव सांग बार क्या नाव सांग? समी। गोड पुळगा सावन। बाबांचा फोटो आहे। सावंत मैं हैरान हूं तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। मेरा मतलब मैंने तुम्हारी कीमत कुछ ज्यादा आंकी थी। सावंत हमारे गठबंधन की खबर बाहर आने दो, पैसे तुम्हें जब जैसे चाहिए बता देना, मिल जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं शेट्टी साहब, आप सावंत को क्यों मरवाना चाहते हैं? वो तो आपको सपोर्ट कर रहा ना। बाबूराव आप कब सीखेंगे? राजनीति में कभी कभी अपने सपोर्ट करने वाले को भी मरवाना पड़ता है। इस इलेक्शन को अपने हक में घुमाने के लिए सावंत को जाना ही होगा।